एफडी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत मंडन और रणवीर सचिन पायलट जी जिंदाबाद। देश के पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय सबके लोकप्रिय सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के, प्रियंका जी के, सोनिया जी के, हम सब के उम्मीदवार हेमंत कटारे जी, उनकी श्रद्धेय माताश्री, मंच उपस्थित सभी नेतागण, इस चुनावी सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों और जवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, दो दिन के बाद मध्य प्रदेश के लोगों को, भिंड के लोगों को, आप सब लोगों को अपने आने वाले 5 साल का भविष्य तय करना है। इस प्रदेश के और हम सब लोगों की, आप लोगों की दिशा और दशा आप लोगों को तय करनी है। अभी आपने हेमंत जी का भाषण सुना, इससे पहले भी हमें चुनाव लड़े थे तो हम इनके लिए वोट मांगने आए थे और इन्होंने सही कहा कि जनता हमारे साथ थी लेकिन चुनाव चुरा लिया गया पुलिस ने, और पुलिस वाले भी इंसान ही होते हैं, वो भी हमारे गलियों में पले बड़े हैं, वो भी सब जानते हैं, हवा घर वो भी देख रहे हैं। और इस बार आप लोग बंपर जीत कराओगे और इसमें योगदान रहेगा पुलिस वालों का भी, कि पूरे प्रदेश के साथ साथ इस विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीत कर जाए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और दिल्ली में है, और ये डबल इंजन की सरकार बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रही है, लेकिन इस इंजन ने अब हिचकोले खाना शुरू कर दिया है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश भर में आज भाजपा के लगभग 10 साल के कार्यकाल को जनता ने देख लिया, समझ लिया, आकलन कर लिया। इन्होंने महंगाई पर भाषण दिए, बेरोजगारी पर भाषण दिए, किसानों की बात करी, नौजवानों की बात करी, हमारी फौज की भर्ती के साथ खिलवाड़ किया, अब नया कानून बना दिया, जो नया लड़का 19-20 साल का फौज में भर्ती होगा 4 साल नौकरी करेगा, बाद में छुट्टी। किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए, 1.5 साल तक हजारों किसान देश की राजधानी में धरना देकर बैठे रहे, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, तब जाके भाजपा ने वो 3 काले किसान कानून वापिस लिए। और कानून क्या थे, देश की सारी मंडियों को बंद कर 2-4 उद्योगपतियों के पूरे देश के अनाज के भंडार और रस्ता सौंपना चाहते थे। देश में सारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बिजली घर, कारखाने, खदानें सब औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को फायदा दे रहे हैं। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के लिए जो सपने सजोए हैं, अगले 5 साल का हमने जो रूपरेखा तय करी है वो आप लोगों के सामने। महिला हो, बच्चे हो, किसान हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हो, बिजली हो, डीपी हो, ट्रांसफार्मर हो, सारी बातें हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बात करते हैं जनता के मुद्दे की। और बीजेपी से बात करो तो हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद और पूर्ण विराम, इसके आगे में कोई मतलब नहीं है। खाद, बीज, बिजली, पानी, किसान, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा।